अल्फा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक, और आप अपनी सीध में उन लोगों को भी याद रखें जो ईद की खुशियाँ बहुत सारी वजूहात के बिना पर नहीं मना पा रहे या नहीं मना सकेंगे। तो स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, और वो तो बहुत दूर हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे गली मोहल्लों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से आपके आगे हाथ नहीं फैला सकते, आपको बुला नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो काइंडली उनके पास जाइए, उनके घरों में जाइए और उनको खुद गले मिल के खुशियाँ ईद की उनको मुबारकबाद दे दीजिए, ताकि हम सब मिल के इन खुशियों को मना सकें, उनकी खुशियों को मल्टीप्लाई कर सकें। वंस अगेन अल्शफा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर सरफराज मुगल एज ए चेयरमैन और फाउंडर हूँ मैं अल्शफा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं और ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जी, एफपीपी से हैं आपका मेज़बान बिशारत हुसैन। ईद के खूबसूरत और पुरमसरत मौके पे आपके साथ हूँ। आज ईद की जो तैयारियाँ हो रही हैं, ईद का जो दिन है, यकीनन हम सब के लिए बड़ी खुशियाँ लेके आता है, लेकिन इन खुशियों के साथ साथ कुछ इंसान के ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो साथ साथ चलती हैं, उसमें दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे, ईद के खुशी के मौके पे वो लोग ज़रूर याद आते हैं जो हम में मौजूद नहीं हैं। तो हम दुआगो हैं उन सब के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और मेरा पैगाम है ईद के हवाले से सब लोगों के लिए, पाकिस्तान के सब लोगों के लिए, कि अपनी ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन इस दौर में जैसे हालात जा रहे हैं, उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा जो कि जिनके पास खुशी मनाने के लिए है नहीं, उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिएगा और उनका एहसास कीजिएगा। और यकीनन जब आप दूसरों का एहसास करेंगे तो ये ईद आपके लिए भी खुशियाँ लाएगी और उन लोगों के लिए भी खुशियाँ लाएगी जो जिनकी रसाई बहुत सारी चीज़ों तक नहीं है। तो आप सबको मेरी तरफ से, जी एफ पी पी की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक, और ईद की जो दुआएं हैं उनमें हमें भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना तबस्सुम, HOD अलशिफा सलून एंड वेलनेस सेंटर। मेरी तरफ से और अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, हनान एहसान, मैनेजर अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला, अलशिफा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से दिली ईद मुबारक। हेलो एवरीवन, आई एम ईमन जावेद सरोया एंड आई एम इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल। जिंदगी बहुत छोटी सी है गाइस, तो इस ईद अपने रूठे हुओं को मनाएं और अपनी ईद की खुशियों में उनको शामिल कीजिए। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हों। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सज्जाद जावेद, मैं अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, और मेरे सब देखने वालों दोस्तों को अलशिफा फ्यूचर हॉस्पिटल की तरफ से और मेरी तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। थैंक यू।